नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एक्सपर्ट आसिन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जनरल एग्रीकल्चर की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत में एग्रीकल्चर से संबंधित होने वाली क्रांतियों के बारे में। बहुत सारी रिवोल्यूशंस हैं, बहुत सारी क्रांतियां हैं जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हुई थी और जिनसे एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर उस टॉपिक को टच करना आवश्यक है, पर्टिकुलरली टच करना आवश्यक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एग्रीकल्चर की रिवोल्यूशंस की बात करें तो हर एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो दोस्तों, भले ही ये छोटा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम पहली बात करें क्रांति की, तो हरित क्रांति सबसे बड़ी क्रांति कही जाती है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन में भारत और विश्व को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, वो हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के रिगार्डिंग दो फैक्ट्स पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं पूछा जाता, हरित क्रांति फिर भी हम अगले वीडियोस में डीप से पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम क्रांतियां पढ़ रहे हैं वो क्रांति और क्रांति के जनक के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि कौन सी क्रांति थी, किस सेक्टर से थी और लगभग उस सेक्टर में उस क्रांति को शुरू करने वाला व्यक्ति या उसका जनक कौन था। तो दोस्तों, अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो इसके दो रूप में जनक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हो उसको हमें देखना आवश्यक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या भारत में विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक की, तो एन.ई. बोरलॉग या जिन्हें हम नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम से जानते हैं, इन्होंने विश्व में हरित क्रांति चलाई थी। हरित क्रांति के इनको जनक माना जाता है, इसीलिए ये क्रांति इन्होंने चलाई थी और इसके लिए इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें, दोस्तों ये यहाँ पे क्रांति का नाम हो जाएगा और ऊपर जनक। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन भारतीय एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा चेहरा है। दोस्तों, आप मान लीजिए भारत में हरित क्रांति अगर कोई चलाने वाले या कोई साइंटिस्ट थे तो M.S. स्वामीनाथन थे, और इनको इसी कार्य के लिए 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए, ये सम्मानित हो चुके हैं। अगले चैप्टर में जब हम इनकी बायोग्राफी या इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आज हम क्रांतियां पूरी कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नाम आता है दोस्तों, श्वेत क्रांति। इजी क्रांति है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है हम पढ़ते आए हड़बड़ाहट में, हम जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को या इनके क्रांतियों के जनक को थोड़ा इजीली आप आराम से फ्रेश माइंड से पढ़ें और जब एग्जामिनेशन में बैठे तो आराम से आप ये देखें कि हमें कौन सी क्रांति पूछी है, भारत में हरित क्रांति पूछी है, विश्व में हरित क्रांति पूछी है, हमें लाल क्रांति बताई गई है या हमें सुनहरी क्रांति है, पीली क्रांति, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन जो क्रिएट होते हैं आज हम उनको क्लियर करेंगे। तो दूसरी क्रांति की जो बात आती है दोस्तों, तो इसके जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे दोस्तों। और ये क्या क्षेत्र था? दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने आनंद गुजरात से श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इनको भी 1989 में अपने इस कार्य के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें नीली क्रांति, नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित थी, मछली उत्पादन या मछली पालन से संबंधित थी, और इसके जो जनक थे या इससे जो संबंधित व्यक्ति थे वो डॉक्टर अरुण कृष्ण थे। डॉक्टर अरुण कृष्ण
कृष्ण थे। उसके बाद दोस्तों बात आती है गुलाबी क्रांति की, गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति दोस्तों, लाल और गुलाबी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये झींगा उत्पादन के लिए, झींगा उत्पादन के लिए, फिशरीज से रिलेटेड ही ये है, लेकिन ये झींगा उत्पादन के लिए थी। और इसके जो जनक थे या इसमें जो इन्वॉल्व थे वो डॉक्टर दुर्गेश पटेल थे। जहाँ तक हम गुलाबी क्रांति की बात करें, झींगा उत्पादन के लिए ये क्रांति हुई थी और दुर्गेश पटेल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद दोस्तों सबसे फेमस सुनहरी क्रांति, और इसी को क्वेश्चन जब पूछते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन या गोल्डन क्रांति किसे सेक्टर से संबंधित है, तो बागवानी, बागवानी उत्पादन या बागवानी सेक्टर से ये संबंधित थी। और इसके जो मुख्य KL चड्ढा, उसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम रजत क्रांति की, अब यहां बात आती है सिल्वर क्रांति और रजत क्रांति में भी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो रजत क्रांति अलग है, आप हमेशा ये ध्यान रखें। रजत क्रांति की हम बात करें, ये अंडा उत्पादन के लिए हुई थी। रजत क्रांति की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अंडा उत्पादन के लिए हुई थी। उसके बाद कृष्ण क्रांति भी हुई थी दोस्तों, कृष्ण क्रांति, और ये कृष्ण क्रांति हुई थी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें गोल क्रांति, गोल क्रांति की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आलू उत्पादन के लिए, आलू उत्पादन के लिए की गई क्रांति थी। उसके बाद धूसर क्रांति, दोस्तों धूसर क्रांति और भूरी क्रांति में सर्वाधिक कन्फ्यूजन होता है। धूसर क्रांति जो है वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए हुई थी, उर्वरक, और दूसरी आती है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। और ये भूरी जो क्रांति है ये खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए हुई थी। और इन दोनों में सर्वाधिक कन्फ्यूजन होता है या फिर कन्फ्यूजन आता है आपके गोल क्रांति और रजत क्रांति में। जैसे ही हम गोल क्रांति की बात सुनते हैं कहीं हमारे दिमाग में एग प्रोडक्शन या अंडा उत्पादन आ जाता है, लेकिन जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन के लिए है, धूसर क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन के लिए, और भूरी क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए। उसके बाद हम बात करें दोस्तों लाल क्रांति, लाल क्रांति, तो लाल क्रांति जो संबंधित है वो मांस उत्पादन से संबंधित है। और अगली अगर हम क्रांति की बात करें पीली क्रांति, ये तिलहन उत्पादन के लिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। तो दोस्तों अब ये पीली क्रांति और सुनहरी क्रांति भी आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि जैसे ही हम सुनहरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे तिलहन प्रोडक्शन या पीली क्रांति का संबंध रह जाता है। लेकिन क्लियर रखें, गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति जो थी वो बागवानी उत्पादन से संबंधित थी, और जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। एक लास्ट क्रांति दोस्तों परभणी क्रांति के नाम से मानी जाती है या सुनी जाती है, और ये जो संबंधित है ये भिंडी से संबंधित है, भिंडी प्रोडक्शन या ओकरा प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये थी दोस्तों मुख्य मुख्य 13-14 क्रांति जो भारत में जिनसे एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार हम फटाफट से इसे और देख लेंगे। हरित क्रांति जो हुई थी विश्व में वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुई थी, और उसका जो जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति हुई थी वो भी खाद्यान्न उत्पादन के लिए ही हुई थी,
और उसमें एमएस स्वामीनाथन को जनक माना जाता है। अगर हम बात करें श्वेत क्रांति की तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है, और क्योंकि इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसमें कार्य किया था। अगली क्रांति की हम बात करें दोस्तों तो नीली क्रांति, नीली क्रांति जो हुई थी वो मछली उत्पादन से संबंधित थी और डॉक्टर अरुण कृष्ण इससे संबंधित व्यक्ति थे। अगली बात करें हम गुलाबी क्रांति जो झींगा प्रोडक्शन या झींगा उत्पादन के से संबंधित थी और डॉक्टर दुर्गेश पटेल इनके संबंधित व्यक्ति थे। अगली इंपॉर्टेंट क्रांति जो मोस्टली पूछी जाती है, रिपीट होती है हर बार एग्जामिनेशन में, सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवोल्यूशन बागवानी प्रोडक्शन के लिए ये क्रांति संबंधित थी और डॉक्टर के एल चड्डा इससे संबंधित व्यक्ति थे। अगली बात करें हम दोस्तों रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित थी, और नेक्स्ट क्रांति कृष्ण क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करें दोस्तों हम गोल क्रांति की जो आलू प्रोडक्शन से संबंधित है, और नेक्स्ट जो क्रांति आ रही है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं एग्जामिनेशन में, धूसर क्रांति। धूसर क्रांति जो है इसे ग्रे रिवोल्यूशन कहते हैं, और ये धूसर जो क्रांति है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन, दोस्तों यहाँ पे क्लियर है इंग्लिश वर्ड, धूसर ग्रे और ये भूरी ब्राउन। ग्रे रिवोल्यूशन जो है वो उर्वरक प्रोडक्शन के लिए, और जो आपकी ब्राउन रिवोल्यूशन है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए से संबंधित थी। अगली लाल क्रांति जो मांस उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन प्रोडक्शन से संबंधित क्रांति थी दोस्तों। अंतिम क्रांति जो प्रबणी क्रांति है वो भिंडी उत्पादन से संबंधित थी। तो दोस्तों ये थी क्रांति के बारे में रोचक तथ्य। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी एग्जामिनेशन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।